प्रख्यात कानूनविद और कानून जगत के भीष्म पितामह फलियत नरीमन नहीं रहे। 95 साल के नरीमन ने एक भरा पूरा जीवन जिया और न्याय की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, श्री फली नरीमन जी सबसे उत्कृष्ट कानूनी दिमाग और बुद्धिजीवियों में से थे। उन्होंने अपना जीवन आम नागरिकों के लिए न्याय सुलभ कराने के लिए समर्पित कर दिया। उनके निधन से मुझे दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। इतना ही नहीं, खुद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए। उन्होंने कोर्ट रूम में बैठते ही कहा, हम फली नरीमन के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। वे एक महान बुद्धिजीवी थे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एनडीटीवी से कहा कि फली नरीमन के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उनकी आवाज सचमुच एक पीढ़ी की अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व करती थी। अपने विचारों की अभिव्यक्ति में निडर होकर उन्होंने स्पष्टता के साथ लिखा और बोला। उन्होंने वकीलों और न्यायाधीशों की एक पीढ़ी का मार्गदर्शन किया। सबसे बढ़कर वह हमेशा एक दयालु और स्नेही पिता तुल्य थे। हमारे युग के एक महान बुद्धिजीवी का दुखद निधन हो गया। फली नरीमन हमेशा न्यायिक स्वतंत्रता के पक्ष में रहे। वो एनजेएसी के विरुद्ध याचिका देने वालों के साथ थे। उन्होंने एओआर केस भी लड़ा, जिसके बाद कोलेजियम सिस्टम आया। हाल ही में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की वैधानिकता पर आए फैसले की उन्होंने आलोचना भी की थी। उन्होंने आपातकाल लगने पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पद से इस्तीफा दे दिया था। हमारे लिए बहुत ही शोक का समय है। फली नरीमन साहब को मैं पिछले 22 साल से जानता हूँ। बहुत सारे केसेस में मैंने उन्हें ब्रीफ भी किया है। इस क्षति की पूर्ति हो नहीं सकेगी। अब वो हमारे बार के, जिसको मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँ, भीष्म पितामह थे। क्रूसेडर फॉर जस्टिस एक टर्म होता है, हालांकि ये होता जजेस के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो एक निर्भय व्यक्ति थे जो गलत को गलत बोलने की क्षमता रखते थे। तो उस क्षति को अब पूर्ण करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जाहिर है वो अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं जो मौजूदा समय में बेहद मूल्यवान है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।